अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद सलाउद्दीन अहमद पाक टी हाउस स्पीक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके सामने जो अपना प्रोग्राम लेकर आया हूँ वो है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कि माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश के मुख्तलिफ हवालों से परवरिश करते हैं और बाज़ दफ़ा बच्चों के बिहेवियर को लेकर माँ बाप परेशान भी होते हैं और कुछ ऐसी गलतियाँ भी करते हैं जो कि सिर्फ सुनी सुनाई होती हैं और हम उन्हें बराह रास्त अपने बच्चों की परवरिश पे अप्लाई कर देते हैं। इस सिलसिले में आज हमने राबता किया है डॉक्टर फाखरा बदर साहिबा से जो कि माहिर नफ्सियात हैं, फाउंटेन हाउस में काम करती हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और बदर केयर क्लिनिक के नाम से अपना क्लिनिक भी करती हैं। इसके अलावा सीबीटी थेरेपिस्ट हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये सीबीटी थेरेपिस्ट एक्चुअल क्या होता है ताकि हमारे पेरेंट्स को ये पता चल सके कि आपका एक्चुअल जो सर्कल है वर्किंग का वो क्या है। जी मैडम, सीबीटी का मतलब है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें आप इंसान की सोच पर और उनके रवैयों पे प्रैक्टिस करते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं। मैडम अब ये बताएं कि जो बच्चों को माँ बाप मना नहीं करते, मेरा सबसे बड़ा एक्चुअल सवाल यही है जो कि मेरा है कि हम तरबियत हम स्कूल भेजते हैं ना बच्चों को, हम ये समझते हैं कि टीचर की जिम्मेदारी हो गई, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो। दूसरी चीज ऐसा ही होता है, हमारा बच्चा बदतमीजी कर रहा होता है, शरारत कर रहा होता है, हम हंस रहे होते हैं, हम उसे दूर से मना करते हैं, बेटा ऐसा नहीं करो, मैं पापा को शिकायत लगाती हूँ या पापा कहेंगे मैं मामा को बुलाऊं, बच्चा वहीं बदतमीजी करता रहता है, माँ बाप की बात नहीं सुनता, जिसके लिए रवैया ये है माँ बाप का। कहना अक्सर माँ बाप का यही होता है कि बच्चे को रोकना नहीं चाहिए, इसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, ये कॉन्फिडेंट नहीं रहता। क्या ये बात ठीक है? आप क्या इसे समझती हैं, ये बात ठीक है या सिर्फ खुद बनाई हुई है? देखिए, पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चा ऐसा रवैया क्यों इख्तियार कर रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं रख पाते, अपनी बिजी रूटीन की वजह से या सम अदर प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं रख पाते उनके साथ ऐसा रिलेशन कि वो आपके लहजे को, आपकी आवाज़ को, आपकी आवाज़ की टोन को पहचाने बच्चा कि इस वक्त आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं समझती हूँ सबसे बड़ी जो कमी है ना वो यहाँ पर आ जाती है कि पेरेंट्स को खुद अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए बच्चे के साथ। पहले आप उसकी नफ्सियात को समझें और फिर आप ये देखना, नंबर दो पहला पॉइंट तो ये है कि आप अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें। सेकंड जो बात है जिसे आपने कहा कि जी कॉन्फिडेंस उसका खराब होता है बच्चे का, मोस्टली पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चे को मना नहीं करना, तो इसका ये आंसर है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस तब खराब होता है जब आप अपने मना करने के तरीके को देखें कि आप क्या उसे हर वक्त मना करते रहते हैं किसी किसी भी चीज से, या तो आप सारा दिन उसे डांटते रहते हैं, अपना गुस्सा भी उसी के ऊपर निकाल रहे होते हैं, चाहे आपको कोई बिजनेस इश्यूज हो, कोई फैमिली इश्यूज हो, कैसे भी हो, लेकिन आप समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे के ऊपर आप अपना गुस्सा उतार रहे होते हैं, उसको हर बात से मना कर रहे होते हैं, ये ना करो वो ना करो, तो तब आके बच्चे के जो साइकोलॉजिकल जो इश्यूज है ना वो स्टार्ट होना शुरू होते हैं, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है इस बात से। तो आपको थोड़ा सा उसको मना करने का जो तरीका है वो देख लेना चाहिए कि आप किस तरह से उसे मना कर रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि मना करने का तरीका, क्या ये बात ठीक है कि उसे मना ही नहीं करना चाहिए? नहीं, मना तो बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि उसने अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से डिजाइन करना है, ये आप जानते हैं। तो माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे को मना जो करते हैं उससे उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, क्या ये बात सरहंद गलत है? मैं ये कहूंगी कि गलत है बिल्कुल, कि आप उसको उसका कॉन्फिडेंस ये समझ रहे हैं कि आपके मना करने से खराब होगा। पहले तो आपका रवैया देखना चाहिए और अगर आप उसको कॉन्फिडेंस का देख रहे हैं कि वो वाकई उसका हो रहा है तो आप उसको जो बात वो अच्छी कर रहा है वहां पर आप उसको अप्रिशिएट कर दें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना अंदाज को ठीक करना चाहिए पेरेंट्स को कि वो बच्चे को एक तो सबके सामने इंसल्ट ना करें। बच्चा इस बात को बहुत ज्यादा फील कर रहा होता है कि मुझे सबके सामने डांटा क्यों गया, मुझे सबके सामने मारा क्यों गया, ये चीज उसको साइकोलॉजिकली जरूर डिस्टर्ब करेगी। तो आप उसको अकेले में समझा दें
ताकि आपकी और उसकी रैपो बिल्ड अप हो जाए, वो आपकी बात को समझे और उसको ये पता हो कि मेरी रिस्पेक्ट के लिए इन्होंने मुझे एक साइड पे जाकर समझाया है। तो आई थिंक इस तरह का अगर आप रवैया रखेंगे, आप उसे रोकेंगे, तो वो पता चलेगा उसको कि मुझे यहाँ से रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा। अच्छा जी, एक सवाल ये है मैडम कि आपसे मैं तमाम वही सवाल कर रहा हूं जो कि नॉर्मली हम लोग अपने घरों में देखते हैं। एक बिल्कुल सवाल कि हमें हमारे टीचर्स ने हमें एक बात हमेशा समझाई कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। वो कौन सा बिल्कुल टूल हम अपने बच्चे पे अप्लाई करें और हमें ये पता लगे कि एक्चुअल इसके अंदर क्या टैलेंट है? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ये सही कहा गया है कि हर इंसान के अंदर इंडिविजुअली कोई ना कोई ऐसी खूबी पाई जाती है, अगर वो उस ट्रैक के ऊपर चल जाए तो उसके लिए बड़ा फायदेमंद वो साबित होता है। कई बच्चों को आर्ट्स पसंद होती है, कई बच्चों को ड्राइंग करना पसंद है, रीडिंग करना पसंद है, ऐसी एक्टिविटीज पसंद है, लेकिन ये पता ऐसे चलेगा जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, देखेंगे, गौर रखेंगे। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं या उस्ताद जो है ना, वो ऐसे बच्चे के ऊपर ड्यूटी दे रहे होते हैं जैसे आर्मी बॉर्डर पे खड़ी है और उसको फोकस कर रही है हर चीज को। इस तरह से जब आप उसको देखते हैं, वॉच करते हैं, आपको फौरी पता चलेगा कि इसका इंटरेस्ट किस साइड पे है, सिंगिंग की साइड पे है या ये बड़े होके पायलट बनना चाहता है। उसकी खेल को देखें, वो कौन सी खेल पसंद करता है, वहां से आपको उसके इंटरेस्ट का बहुत हद तक अंदाजा हो जाता है। जो बच्चे डरते हैं वो अपने माँ बाप से एक्चुअल बात नहीं कर सकते, उनका डिस्टेंस आ जाता है। जैसे आप कह रही हैं ना, उनका डिस्टेंस आ जाता है। एक तो माँ बाप के पास सबसे ज्यादा आसान हल ये हो गया कि बच्चा शोर कर रहा है, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, वो बच्चा एक कोने में चला गया। क्या ये एक्टिविटी ही है? आप समझती हैं कि ये एक्टिविटी ठीक है कि बच्चे को मोबाइल दे दो और एक साइड में बिठा दो, वो उसका रोना भी खत्म, उसकी भूख का भी मसला नहीं होगा, और माजरत के साथ हमारे यहाँ की जो इस वक्त की मौजूदा माओं का जिक्र कर रहा हूँ खास तौर पे, क्योंकि हमारे जमाने की माओं के पास मोबाइल नहीं था, वो बिजी नहीं थी। इस जमाने की माओं के पास मोबाइल भी है और वो मोबाइल एक नहीं है, दो भी हैं। वो एक अपने बच्चे को दे देती हैं और एक खुद खड़ी भी अपना मामला चल रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये कि जो मोबाइल हम अपने बच्चों को खेलने के लिए दे रहे, जिन घरों में दे रहे, क्या ये ठीक है? क्या हम ये साइकोलॉजिकली उनकी हेल्प कर रहे हैं या अपने बच्चों से दुश्मनी कर रहे हैं? आई टोटली डिसएग्री। मुझे नहीं ये बात समझ आती कि आप अपने मुफाद के लिए, कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए रिलैक्सेशन के लिए, तो मैं बच्चे को मोबाइल दे दूं। सही, ठीक है, ये बात बिल्कुल मैं इसे एग्री नहीं करती बिल्कुल भी। आप उसको अगर सारे दिन की उसकी बच्चे की रूटीन बनी हुई हो, आपकी रूटीन बनी हुई हो, आपको खुद मोबाइल को हाथ लगाने का इतना मौका नहीं मिलता पूरे दिन में, जब आपको पता हो मैंने 100 काम करने हैं। इसी तरह से जब आपके बच्चे की रूटीन बनी हुई होती है कि इस टाइम पे उसने पढ़ना है, इस टाइम पे उसने खेलना है, मैं मोबाइल से ज्यादा प्रेफर करूंगी कि आप उसको फिजिकल कोई गेम्स जो हैं उसमें आप उसको इन्वॉल्व करें, ताकि उसको थोड़ा सा मूवमेंट का पता चले या इधर उधर वो जाए आए। एक जगह पे स्टक हो के बच्चा बैठा हुआ है, उसकी आंखों पे क्या असर पड़ रहा है, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, और मोस्टली माँ बाप को पता भी नहीं होता कि वो मोबाइल में यूज क्या कर रहा है, कौन सी एप्लीकेशंस देख रहा है, कौन सी वीडियोस देख रहा है, विच इज वेरी रॉन्ग थिंग। आपको पता होना चाहिए, वो भी मैंने बात की ना कि आपको एक आर्मी की तरह खड़े होना है वहां पर कि वो क्या कर रहा है, उसकी हर एक हरकत आपने देखनी है, उसके मुताबिक फिर आपने उसका प्लान करना है कि इसको किस तरह से इसकी रूटीन सेट की जाए, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों के दिमाग पे बुरा असर डालता है। अगर हम इसको इस तरह से लेंगे, ये बच्चों के दिमाग पे बुरा असर डालता है और बच्चों के दिमाग को डैमेज करता है, क्योंकि आपने मोबाइल दे दिया, बच्चा अपना लगा हुआ, आप 3 घंटे के लिए फ्री हैं। जी, ये ऐसा ही है, साइकोलॉजी बच्चे को डैमेज कर बिल्कुल रहा भी है। ये डिस्टर्ब, बिल्कुल डैमेज कर रहा है, उसका माइंड नहीं चल रहा, वो उधर ही स्टक हुआ हुआ है, उसके दिमाग में ना कोई सोच आ रही, ना उसको भूख लग रही है, ना उसको ये पता चल रहा है मुझे कोई आवाज दे रहा है, उसकी एक्टिविटीज आपने खत्म कर दी हैं बिल्कुल उसको मोबाइल पकड़ा के, तो अच्छा ये मैडम, दुश्मनी है पेरेंट्स की। क्योंकि ये वो इशू है जो हमारे यहाँ माँ बाप सुनना चाहते हैं, और चूंकि आपका
रास्त ये सब्जेक्ट है और आप प्रैक्टिस में हैं, तो इस वजह से एक तो मैं आपका सारा क्लिनिक का एड्रेस और आपके दीगर एड्रेस भी मैं शेयर करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, कि अगर जो माँ बाप हैं वो किसी किस्म की कोई मसला है उनके बच्चे के साथ या उस पर वो मेहनत करना चाहते हैं पॉजिटिवली, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चे का खुदा ना खास्ता कोई परेशानी हो तो माँ बाप को कॉन्टेक्ट करें, वो पॉजिटिव वर्किंग के लिए भी आपसे कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो मैं एड्रेस उसमें दूंगा। एक चीज ये कि हम अपने बच्चे को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, ये सबकी एक ख्वाहिश होती है, लेकिन बिल्कुल ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सी ऐसी एज है जिसमें हमें बच्चे को ज्यादा टाइम देना चाहिए और हम नहीं दे पाते, वो कौन सी ऐसी एज, माँ बाप की कहाँ गलती है कि वो इस एज में, 1 से 5 साल है, 5 से 10 साल है, 10 से 15 साल है, 15 से 20 साल है, कौन सी ब्रैकेट ऐसी है जिसमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपको एक हजरत अली करमुल्ला वजह का कॉल है जो यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी, यहाँ से आपको उसका टाइम ड्यूरेशन पता चल जाएगा कि कहाँ पर आके आप मिस्टेक कर रहे होते हैं पेरेंट्स। ऐसे है कि उन्होंने कहा है, आप हजरत अली करमुल्ला वजह कहते हैं कि शुरू के जो 10 साल हैं माँ बाप को बच्चे के गुलाम बन जाना चाहिए, आप उसको समझें, उसको देखें, उस पे तवज्जो दें, उसकी हर बात को गौर से सुनें और बेलौस मोहब्बत दें। उससे अगले जो 10 साल हैं तब आप बच्चे के मास्टर बन जाएं, तब बच्चा आपको फॉलो करना शुरू करे, फिर वो आपको फॉलो करेगा, आप उसके सामने कोई भी ऐसा अमल करेंगे वो उस चीज को अप्रिशिएट करेगा और अपने अंदर उसको डालने की कोशिश करेगा, आपको फॉलो कर रहा है वो। और जो उससे ऑनवर्ड साल है, अगले मतलब 21 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी साल है, फिर आप बच्चे के दोस्त बन जाए। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से आपको उस एरिए का पता चल जाना चाहिए कि कहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी क्या एडवाइस है, आपकी क्या एडवाइस है फॉर पेरेंट्स, स्पेशली वो बच्चे जो अभी स्कूल गोइंग, एक आप कहा कि मोबाइल नहीं देना चाहिए बच्चों को ये गेम्स के लिए, मतलब ये जो मुस्तकिल हम देते हैं इससे आप टोटली डिसएग्री करते हैं, आप कहती हैं कि फिजिकल हमें किसी गेम में बच्चों को डालना चाहिए, इसके अलावा आप कौन सी एक बेस्ट एडवाइस फॉर द पेरेंट्स है जो कि आप देना पसंद चाहती हैं, कि जो आपके पास लोग आते हैं आप उन्हें क्या कहती हैं कि कौन सी सबसे बेहतरीन बात है जो कि आप कहें कि अपने बच्चों के साथ ये काम करें उनकी बेहतर ग्रोइंग में, उनकी बेहतर नशोनुमा में, बेहतर तरबियत में। मैं ये कहना चाहूंगी तमाम पेरेंट्स से, मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही बच्चा स्कूल से घर आया है आपको उसके साथ बिल्कुल जुड़ जाना है, क्या करके आया है, कैसे उसकी क्लासेस हुई, किस तरह से उसने पढ़ा, कहाँ पर उसको प्रॉब्लम्स आई, उसे बड़े प्यार से हैंडल करें, आप उसकी हर बात को समझें, वो कहाँ पे क्या कह रहा है, उसकी सारी रूटीन स्कूल वाले भी पूछें, और एक खुदारा आप उनकी एक रूटीन जो सेट करते हैं ना वो लाजमी करें, रूटीन उनकी सेट होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मैंने इतने बजे ये करना है, इतने बजे ऐसे करना है, जब आप उसकी बचपन से ही रूटीन सेट कर देंगे ना तो आपको इन फ्यूचर उसको कहना नहीं पड़ेगा कि ये आपका खेलने का टाइम नहीं है, आपने इस वक्त पढ़ना है, उसको खुद ही पता होना चाहिए कि इस वक्त मैंने क्या करना है, वो रेगुलर हो अपनी हर चीज के बारे में। फिर थोड़ी सी ये मैं बात करना चाहूंगी कि बच्चे को जिम्मेदार बनाए, उसके उसको पता हो कि मैंने अपना बैग खुद से अपनी कॉपीज अपनी बुक्स वगैरह चेक करनी है, ये आप उसको जो अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेते हैं वो इस तरह केयरलेस होता चला जाता है, जैसे आप उसको रिस्पॉन्सिबल करेंगे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बचपन से ही समझना शुरू करेगा और उसकी एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी और वो अदर जो जो दूसरी चीजें हैं जिनमें बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए उनकी तवज्जो भी उस तरफ को रहेगी जहाँ पर आप चाहते हैं, अपने रिलेशन को उसके साथ स्ट्रॉन्ग बनाए, ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे उनके साथ, और अगर वो गेम्स भी कोई खेलना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि वो आपके साथ ही खेलें, उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखें, उसके दोस्त कौन हैं, उनके साथ उसका कैसा बिहेव है, और वो कौन सी मूवीज देख रहा है, किन गेम्स में इंटरेस्ट ले रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके,
थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, वेरी मच, अल्लाह ने, थैंक यू।